ईशावास्य उपनिषद में हम प्रवेश करते हैं। आज के लिए ईशावास्य उपनिषद का ये सूत्र है, हरि ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृदा कश्यस्विद्धनम्। अर्थात जगत में जो कुछ चल अचल स्थावर जंगम संसार है, जड़ चेतन संसार है, वो सब ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। उसके त्याग भाव से जीवन के भोग में उतरें और किसी के धन की इच्छा ना करें। ईशावास्य उपनिषद यहां से प्रारंभ होता है। जगत में जो कुछ भी है, चल अचल जड़ चेतन, वो उस ईश्वर से ही आच्छादित है। अगर हम दर्शन की गहराइयों में उतरेंगे तो हमको कई ऐसी गहरी बातें दिखाई देती हैं जिनके सिरे यहां से वहां, वहां से वहां जुड़ते हुए चले जाते हैं। क्योंकि बात एक है, जो रहस्य है, जो सत्य है, वो एक है, उसको कहने के अलग अलग अंदाज, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्रों में जब हम यात्रा कर रहे थे तो वहां पर एक सूत्र कहता है कि उस चेतना को सर्वव्यापी जानो, और यहां पर स्टेटमेंट है, यहां पर वक्तव्य है, वहां पर प्रयोग के लिए और उसको समझने के लिए धक्का था, और यहां पर निष्कर्ष के रूप में है कि पूरा जगत उससे ही आच्छादित है, उस ईश्वर से। अब उसे हम कोई भी नाम दें, ईश्वर, चेतना, समग्रता, कोई भी नाम दें, जैसे लाओत्सु उसके लिए नाम ताओ चुन लेंगे, ताओ से आच्छादित है। ताओ एक उनका अपना टर्म है, उनकी अपनी एक इशारा करने की चीज है। भारत में अलग तरह के शब्दों का चुनाव होता है, लेकिन जो शब्द भी चुने जाते हैं उन शब्दों के पीछे उस समय की सोच, उस समय की परंपरा और उस समय की जो प्रज्ञा है उसका भी समावेश होता है। तो ईश्वर शब्द को यहाँ पर लिया गया और धन की भी बात ली गई, तो ईश्वर एक बहुत ही सकारात्मक, एक पॉजिटिव शब्द है जिसको हम भारतीय दर्शन में ऐश्वर्य के विस्तार से, ऐश्वर्य के मैनिफेस्टेशन से जोड़ते हैं। ईश्वर जो है वो एक एबंडेंट कॉन्शियसनेस का भी परिचायक शब्द। एबंडेंट कॉन्शियसनेस मतलब वो चेतना जो समृद्ध है, अनंत रूप से समृद्ध है, हम उसको ईश्वर कहते हैं। व्यक्ति के भीतर भी ईश्वर कब आता है? जब वो एबंडेंट कॉन्शियसनेस, वो जो समृद्ध चेतना है, वो आती है। तो अब यहां पर इस ईशावास्य उपनिषद के इस सूत्र में जब हम जाएंगे तो यहां पर, और इतने पहले जब ऋषियों ने कहा होगा, देखें मनुष्य के मन के दो विभाजन, एबंडेंस और लैक ऑफ एबंडेंस, समृद्धि की अंतर्दशा और असमृद्धि की अंतर्दशा, व्यक्ति इन दो के बीच झूलता है। समृद्धि की अंतर्दशा कब आएगी? जब व्यक्ति अपनी सीमाओं को गिराएगा, व्यापकता में प्रवेश करेगा और उस व्यापकता के धरातल से वो देखेगा कि सब कुछ वही है, वही सोर्स हर जगह व्याप्त है,
अब ईश्वर क्यों उसे हम कहें? क्योंकि वो अपने ऐश्वर्य का, अपनी ऐश्वर्यमयता का विस्तार करता है। वो जो अनभिव्यक्त सत्ता है, जड़ चेतन सब जिसको लिखा है, चल अचल, गतिमान स्थिर सब कुछ, वो चाहे ये पेड़ पौधे हों, ये मिट्टी, ये पत्थर हो, ये पशु पक्षी, ये मनुष्य, कुछ भी हो, उसके सिवा कुछ है ही नहीं, केवल वही है। कुछ ऐसा जिससे सब कुछ निर्मित हुआ है, कुछ ऐसा अदृश्य अज्ञेय, वो शून्य आयाम जिससे सब कुछ निकलकर फैला है, वही 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 है, वही व्याप्त है हर तरफ। आज के विज्ञान के संदर्भ में भी जब हम इसको देखते हैं तो ये सारी बातें हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं। विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही देखा जाए सत्य की खोज में, दोनों का कहीं कोई टकराव नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि विज्ञान और अध्यात्म के बीच हमें सेतु बनाना है, हमें कोई ब्रिज बनाना है, तो वो जो सोच है वो सोच गलत है। हमें कोई सेतु बनाना नहीं है, क्योंकि वो अलग नहीं है। सत्य की खोज में, सत्य क्या है? जो है। असत्य क्या है? जो नहीं है और होने जैसा दिखाई देता है, रिफ्लेक्ट होता है, इल्यूजन है, जो भासता है, प्रतिबिंबित होता है, वो असत्य है। था नहीं लेकिन होने का भुलावा दिया, होने का छलावा पैदा हुआ। तो सत्य की खोज में हम जब जाएंगे तब क्या होगा? जो है, दैट विच इज, हम उसको खोजेंगे, उसमें ठहरेंगे, उसको जिएंगे। विज्ञान भी वही काम कर रहा है, और जो अध्यात्म के जगत में जाएंगे वो भी वही बात करेंगे। इसलिए ये शब्दावली कभी कभी जो अक्सर धार्मिक लोग उपयोग करते हैं, और तभी करते हैं जब उनको किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना होता है, किसी जड़ता या मूढ़ता को बढ़ावा देना होता है, तभी वो उसका उपयोग करेंगे कि जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहां से धर्म शुरू होता है। नहीं, विज्ञान और धर्म एक ही है। अब समझने का, देखने का एंगल, नजरिया फर्क हो सकता है। एक नजरिया हो सकता है विश्लेषणात्मक, एक हो सकता है संश्लेषणात्मक, एनालिटिकल और सिंथेटिक, होलिस्टिक। विज्ञान एनालिटिकल नजरिए से देखेगा, वो उसका तरीका है, वो भी ठीक है। और हम धर्म में भी एनालिटिकल तरीके से देखते हैं। जब हम नेति नेति में प्रवेश करेंगे, जब हम बहुत सारी चीज़ों को छोड़ छोड़ कर आगे जाएंगे, उनको पूरी तरह समझते हुए, तो हम वही मेथोडोलॉजी, वही प्रक्रिया उपयोग में ला रहे होंगे। और एक होगी संश्लेषण की, सिंथेसिस की, एक जोड़ के साथ आगे चलने की दशा। ये दो दिशाएं हैं जहां से हम सत्य की तरफ बढ़ेंगे। उपनिषद यहां पर वो दिशा लेता है जो सिंथेसिस की है, हमको जोड़ने वाली है। हम विज्ञान की तरह से अगर देखें तो हम तोड़ते 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 चीजों को वहीं पहुंच गए कि एक ही है, एक ही सत्ता, एक ही एनर्जी, वो नथिंगनेस जहां से ये सारा जगत पैदा होता है। धर्म में हम उसको, जैसे उपनिषद कह रहा है कि वो एक ही है, वो ईश्वर जिससे पूरा जगत आच्छादित है। अर्थात जब लोग गहरे गए और उन्होंने अपने अंतर्मन को टटोला, खंगाला, उसमें उन्होंने पूरी सचेतनता से प्रवेश किया, तो उन्होंने देखा कि कुछ है ऐसा जिसको कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसकी स्पष्टता से, उसकी सटीक अभिव्यक्ति से ही सारा संसार आगे चल रहा है। जड़ चेतन सब,
चल अचल सब स्थिर गतिमान सब, कहीं कुछ भी अंतर नहीं है। क्योंकि हम अगर किसी भी चीज को देखें तो एक विस्मय हमको आच्छादित करेगा, कितना प्रिसीजन होगा। मिट्टी हाथ में उठा लें, मिट्टी को देखें, मिट्टी का जो टेक्सचर और उसका जो प्रिसीजन, उसकी स्पष्टता है, अद्भुत है, कमाल की। अब हमको अगर मिट्टी बनानी पड़े तो हमको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। हम लेबोरेटरी में मिट्टी बनाने जाएं तो बनेगी प्रक्रिया वही होगी, जिन चीजों को मिलाकर या जिन चीजों को तोड़कर हम मिट्टी का निर्माण करेंगे, जो कि किया जा सकता है, तो घुमा फिराकर प्रक्रिया भी होगी। अस्तित्व में मिट्टी ऐसे ही उपलब्ध है, लेकिन गुजरी तो उन्हीं सारी प्रक्रियाओं से होगी। एक छोटा सा घास का पौधा हो, तिनका हो, बड़े वृक्ष हों, चांद तारे सूरज हों, सब किसी एक विशिष्ट प्रक्रिया से ही निर्मित हुए हैं। विज्ञान भी अब उधर झांक कर देखता है तो कहता है कि हाँ कुछ है। इट सीम्स दैट यूनिवर्स अपीयर्ड फ्रॉम द नथिंगनेस। ऐसा लगता है कि जैसे ये जो ब्रह्मांड है वो उस शून्यता से पैदा हुआ। शून्यता क्या है? वही ईश्वर है। शून्यता केवल शून्यता नहीं है, उसको जब हम ईश्वर कहते हैं तो हम उसको कहते हैं फील्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, अनंत संभावनाओं का एक आयाम, एक क्षेत्र जहां से सब कुछ निर्मित होगा। उसमें संभावनाएं अनंत हैं, एक आध चीज उसमें शामिल नहीं है, और उसी से निकलकर सब फैलाव होता चला जाएगा और अपनी इतनी सटीक ढंग से। तो अगर हम बाहर से अब जब उसको विश्लेषित करके देखते हैं किसी भी घटनाक्रम को, तो हम जानते हैं ऐसा है, ऐसा है, इसलिए ऐसा है। लेकिन ऐसा क्यों है, ये जीवन क्यों है, वो रहस्य में आच्छादित रहता है। समृद्धि की अगर बात देखें, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जो स्टेट ऑफ अबंडेंस है या अबंडेंट कॉन्शियसनेस, समृद्धि की चेतना है, वो क्या है? घास का तिनका हो, छोटा कीड़ा हो, मनुष्य हो, कोई पहाड़ हो, नदी हो, झील हो, कुछ भी हो, वो वैसे ही है जैसे उनको होना चाहिए, न कम न ज्यादा, वैसे ही। समृद्धि हम उसी को तो कहते हैं कि जब जो चाहिए हो, जैसा चाहिए हो, वैसा ही उपलब्ध हो। अगर मनुष्य अपने को समृद्ध देखना चाहे तो कब अपने को समृद्ध कहेगा? जब जो अपेक्षित है, जो एक्सपेक्टेड है, वो उसके जीवन में हो। जो एक्सपेक्टेड नहीं है वो ना हो। अब उसने चाहा इस क्षण कुछ और वो हो तो समृद्ध कहेंगे उसको। लेकिन यहीं पर आते हैं सारे पेंच, जिसके आगे जो ईशावास्य उपनिषद का सूत्र है वो जाता है। तो पहली चीज तो हमको उस एकमेव चेतना का अनुभव, उसमें प्रवेश करना होता है, और उसके लिए चाहिए गहनतम संवेदनशीलता, गहरी से गहरी संवेदनशीलता। और जब हम उसमें जाएंगे तो हमको एक जोड़, एक इंटरकनेक्टेडनेस, एक अंतर संबंधित जीवन का पता चलेगा। उस इंटरकनेक्टेडनेस, उस अंतर संबंधित जीवन के बोध से ही ये दिखता है कि सब कुछ वही है, और सब कुछ वही है, वही का और ईश्वर शब्द का बस यहां पर एक इशारे की तरह उपयोग समझेंगे। ईश्वर शब्द को इसीलिए हमने डिफाइन किया, ईश्वर का अर्थ कोई स्पेसिफिक एलिमेंट या सत्ता नहीं, ये केवल अलग अलग तरह के शब्द हैं जिनका हमने आविष्कार किया। अब सूत्र कहता है कि ठीक है, वो है
और सब चल अचल संसार उसी से आच्छादित है, सब ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। अब उसके व्यवहारिक पहलू पर सूत्र आता है, वो कहता है उसके त्याग भाव से जीवन के भोग में उतरें, त्याग भाव। और ये देखा जाए भारतीय दर्शन का बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग और भोग। अब त्याग क्या है और भोग क्या है, इन सारी बातों को हमको बहुत अच्छे से समझना होगा। अगर पहली बात समझ में आई है, पहली बात किसी के जीवन का हिस्सा बनी है, तभी ये दूसरी बात भी उसके जीवन का हिस्सा बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। अन्यथा त्याग भी एक कृत्य रहेगा और भोग भी एक कृत्य रहेगा। यहां पर ही उपनिषद व्यक्ति को अकर्ता के आयाम में ले जा रहा है, नॉन डूअर नेचर में, उसकी बुद्धा नेचर में। जब तक व्यक्ति को यह पता नहीं कि वही चेतना हर जगह गतिमान है, तभी तक वो करता है, डूअर है। और जैसे ही उसको इस बात का बोध होता है कि वही चेतना हर जगह गतिमान है, सब कुछ उसी से आच्छादित है, चल अचल जड़ चेतन सब कुछ, दृश्य अदृश्य सब उसी से आच्छादित है, तो व्यक्ति तुरंत ही शिफ्ट हो जाता है अपने नॉन डूअर नेचर में। कैसे? क्योंकि जब वही है, वही सोर्स है, तो क्रियाएं भी वहीं से आच्छादित होंगी, हमारे मनोभाव भी वहीं से आच्छादित होंगे, हमारे कामनाएं भी वहीं से आच्छादित होंगी। सब कुछ कह दिया उसी से आच्छादित है, तो क्या बचा फिर? क्या कुछ हम बचाएं कि उससे आच्छादित नहीं है? हम कहें कि अच्छा ये तो आच्छादित है और ये नहीं है, ये ईश्वरीय नहीं है, शरीर ईश्वरीय है, मन नहीं, नहीं मन ईश्वरीय नहीं है, भाव नहीं, नहीं वो कुछ प्रॉब्लम देते, समस्या देते हैं, तो उनसे ईशावास्य उपनिषद कह रहा है कि सब कुछ में ये शरीर मन सब शामिल है। जब सब उसी से शामिल है, सब उसी से आच्छादित, इन्वेलप्ड, कवर्ड, क्लाउडेड, इन्फ्यूज्ड, सब जब उसी से है, तो फिर हम बस विशुद्ध साक्षी हो जाते हैं, तटस्थ दृष्टा हो जाते हैं, घटता है सब। त्याग कोई करता नहीं, कोई करने वाला नहीं, कौन करेगा त्याग? जैसे लोग इसका अनुवाद कर लेंगे, त्याग के साथ भोगो, भोगो यानी कोई भोगने वाला होना चाहिए, तो कोई त्यागने वाला होना चाहिए। और अगर पहली ही बात ईशावास्य की स्पष्ट हो गई, तो वही त्याग रहा है, वही भोग रहा है, वही है, तो हम कहाँ हैं? हम भी वही हैं, वो भी हम ही हैं, यही लीला है। तो त्याग भी उसी का घटनाक्रम, भोग भी उसी का घटनाक्रम। अब हमने त्याग और भोग को जब बहुत ही सतही ढंग से विश्लेषित किया, तो उसके बहुत अलग अलग अर्थ होते चले गए। यहां पर अगर हम गहरी अंतर्दृष्टि से देखें, जो ईशावास्य रखता है कि त्याग, त्याग अर्थात जो एबंडेंट कॉन्शियसनेस है, समृद्ध चेतना है, उससे पूरी तरह संयुक्त रहना, पूरी तरह संयुक्त रहना, उससे विस्मृत नहीं करना। जब उसे विस्मृत नहीं करेंगे, तो त्याग जिसको हम कहते हैं वो होता है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो घटेगा। भोग जीवन को चलाए रखने का एक आयाम है, वो भी भोग घटेगा। या इसको हम फिर दूसरे एंगल से अगर देखें, दूसरे कोण से, जीवन और मृत्यु का एक समन्वित नृत्य, एक इंटरकनेक्टेड डांस ऑफ लाइफ एंड डेथ। मृत्यु क्या है? त्याग है। जीवन क्या है? भोग है। अब ये तो हर क्षण घट रहा है, हम अभी बात कर रहे हैं, और बात करते करते हमारे शरीर में कितनी कितनी
सेल्स कितनी कोशिकाएं मर रही हैं, हमारी स्किन की तो उड़ती ही रहती हैं हवा के साथ इधर उधर। हर कोशिका का मरना इस शरीर का एक त्याग है और फिर नई कोशिका का जन्मना इस शरीर का भोग है, और फिर शरीर अपने को चलाए रखने के लिए पूरी तरह से सक्रिय है। कहीं से वो एनर्जी ले रहा है, कहीं से जो भी केमिकल, विटामिन, व्हाटएवर जो भी नीडेड है वो सब खींचा जा रहा है। जीवन को संरक्षित, संचालित, सुव्यवस्थित, संतुलित, समस्वरित रखने के लिए शरीर पूरी तरह गतिमान है, सक्रिय है, और वहाँ पर एक स्तर पर मृत्यु घट रही है और एक स्तर पर जीवन घट रहा है, यानी कि त्याग और भोग दोनों साथ साथ घट रहे हैं। तो कोई व्यक्ति नहीं है जो त्याग करता है, व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, पर्सनैलिटी है, पर्सन है, तो होगा कर्ता। और यहाँ पर है एक इम्पर्सनल कॉन्शसनेस जो कि सारी चीज़ों की एक इम्पर्सनल हैपनिंग में, एक अवैयक्तिक घटनाक्रम में वो चलेगी। तो करने वाला कोई होगा नहीं, बस जीवन अपने ही ढंग से घटेगा। जो आवश्यक है वो होगा, जो अनावश्यक है वो नहीं होगा। अनावश्यक का हटते चले जाना त्याग है और आवश्यक का घटते चले जाना भोग है। ये कुछ अलग से भोग और त्याग नहीं, जैसे हमने सोचा कि अच्छा हमको ये आइसक्रीम बहुत अच्छी लग रही है तो आइसक्रीम हम खा रहे हैं तो आइसक्रीम का हम भोग कर रहे हैं, और फिर हमने सोचा नहीं नहीं आइसक्रीम हम छोड़ते हैं, त्यागते हैं, तो हमने आइसक्रीम का त्याग कर दिया। अगर शरीर को आवश्यकता है तो शरीर उसको उस तरह से अपने अंदर लेगा और छोड़ेगा जैसे भी जरूरत हो। अब इस पर प्रश्न उठेंगे, हमारे बाजार में अगर शरीर और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें इतना कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया है खाने पीने वाला, उसको तो त्यागना होगा। मनुष्य की एक जैसे होता है ना शरीर, एक शरीर अलग ढंग से विकसित होता है, फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी के साथ व्यक्ति की होती है आइडियोलॉजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल, पेन बॉडी, प्लेजर बॉडी। ये सब बॉडी का मतलब कोई अलग एंटिटी नहीं, बॉडी का मतलब उसी का अपना एक एक्सपेंशन, मनुष्य का अपना एक एक्सपेंशन। तो अभी क्या है, जो आइडियोलॉजिकल बॉडी मनुष्य की है वो उस आइडियोलॉजिकल बॉडी में जो नीडेड है उस हिसाब से वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं। अस्तित्व तो इसकी परवाह नहीं करता कि भाई ये वाली ही चीज़ होनी चाहिए, वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो सब कुछ को वो पोषण देता है, जैसे हम ही लोग होते हैं ना ध्यान देने वाले कि ये नहीं रखना, वो नहीं रखना, घर में हमको काकरोच नहीं रखना और हमको घर में रहना है। काकरोच घर में कितना काम करते हैं, कभी आप उनके जीवन का अध्ययन करिए, संगसात करिए कुछ दिन उनका, कितनी मेहनत करते हैं साफ सफाई वगैरह वगैरह की, लेकिन हमको काकरोच नहीं चाहिए। तो हमको लगेगा अस्तित्व काकरोच को सस्टेन क्यों कर रहा है, उसको जीवन क्यों दे रहा है, किसी तल पर वो जरूरी है, नीडेड है। मनुष्य अपने आप में एक ऐसा नमूना बन गया है जहाँ पर मनुष्य से लेकर काकरोच और व्हाटएवर जो भी हम कल्पना कर सकते हैं सब एक साथ इकट्ठा है। तो बहुत कुछ चाहिए, बहुत सारे शरीर मन, बहुत सारी आइडियोलॉजिकल बॉडीज, बहुत सारी प्लेजर बॉडीज, बहुत सारी पेन बॉडीज हमको चाहिए होती हैं संसार में इस लीला के चलने के लिए। तो उसके लिए फिजिकल फूड, मेंटल फूड, इमोशनल फूड सब अवेलेबल होता है जिसको व्यक्ति कंज्यूम करता रहता है। सही है गलत है अस्तित्व तो इसकी चिंता नहीं करता, क्योंकि ठीक समय पर जो अनावश्यक है वो गिर जाएगा और जो आवश्यक है वो आ जाएगा। शरीर भी अनावश्यक को अपने साथ नहीं रखता, कभी देखें अनावश्यक को वो अपने सारे रिसोर्सेस से शरीर के बाहर थ्रो कर देता है, आवश्यक को सस्टेन कर लेता है। तो ये है त्याग, त्याग है अनावश्यक का गिरते जाना और भोग है आवश्यक का बिना किसी बाधा के चलते जाना। तो अगर व्यक्ति सचेतन होकर जी रहा है तो उसके जीवन में त्याग और बोध का एक अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो होता है, अनऑब्स्ट्रक्टेड अबाधित प्रवाह।
अगर वो बाधित हो जाए, उसमें कहीं से रुकावट हो जाए तो समस्या खड़ी होती है। शरीर में भी देखिए, अभी हमारे सारे प्रोसेस जो शरीर को थ्रो करने के हैं, मल मूत्र वगैरह के, उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कितनी समस्या खड़ी हो जाएगी। अब त्याग नहीं होगा तो भोग कैसे होगा, वो रुक जाए फिर खाना खा के देखो। तो शरीर उसको स्मूथ चला रहा है। तो अगर शरीर में हम कहें स्वास्थ्य क्या है, अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो ऑफ एवरीथिंग। संसार में, जगत में, यूनिवर्स में क्या है स्वास्थ्य, हर बात का अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो, अखंडित प्रवाह, अबाधित चलता रहे, तो सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित होकर चलेगा। इसीलिए जब तक कोई त्यागने वाला होगा वो कर्तापन में उलझ जाएगा और पहली बात उसे विस्मृत हो जाएगी। कोई भोगने वाला होगा तो उससे पहली बात विस्मृत हो जाएगी, यानी कि सब तरफ वही है, वही ईश्वर है, और वो बात को नहीं जान पाएगा। अब सूत्र आगे की बात जो रखता है वो कहता है कि किसी के धन की इच्छा ना करें, धन की इच्छा ना करें। इसके अनेक अनेक तलों पर एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, और हो सकता है जब ऋषियों ने इसको लिखा हो तो उन्होंने एक तो नैतिक दृष्टिकोण से भी इसको लिख दिया हो, और दूसरा अगर हम गहनतम दृष्टि से देखेंगे तो गहनतम दृष्टि से ये देखेंगे कि किसी का धन होता है क्या। मेरा धन और तुम्हारा धन जब रहेगा तो किसी के धन की आकांक्षा, यानी कि किसी की वस्तु या उन सब चीज़ों को चाहने की आकांक्षा बनेगी, और ये होगा स्कैर्सिटी कॉन्शियसनेस से, जो एक दरिद्र चेतना है उससे, क्योंकि वो अपने को मान के चलेगा वैसा बॉडी माइंड, वैसा शरीर मन, कि उसके पास नहीं है और वो उस सोर्स से, उस स्रोत से संबंधित नहीं है। लेकिन अगर कोई उस ईश्वरीय अभिव्यक्ति से, उस ईश्वरीय सत्ता से जुड़कर जी रहा होगा तो वो होगा एबंडेंट कॉन्शियसनेस में, समृद्ध चेतना से संयुक्त होकर वो चल रहा होगा। तो धन की जितनी आवश्यकता है वो धन उसके पास आएगा, उसके स्रोत खुलेंगे, उसके विचार उसके पास होंगे, उसको क्रियान्वित करने की शक्ति उसके पास होगी, जो आवश्यक होगा वो उसके माध्यम से किया जा सकेगा। और इच्छा आकांक्षा करने का कोई मतलब भी नहीं होता, देखा जाए उसका कोई मतलब नहीं। वो जितना भी होता है वो उस क्लाउडेड माइंड से होता है जो अभी जीवन को ठीक से जान ही नहीं रहा है। जिसको कहते हैं ना, घास हमेशा दूसरी तरफ ज़्यादा हरी दिखाई देती है वाली जो सोच है उसमें ही व्यक्ति को सोचता है वो वाली घास उसके लान वाली चरने को मिल जाए। लेकिन वो घास चर के क्या प्रसन्न है? तो बाजार चाहता है कि हम दूसरे के धन की इच्छा करें, दूसरे का ब्रांड, दूसरे की ज्वेलरी, वो क्लॉथ, वो कार, वो घर, वो पैकेज, वो टूर, वो ट्रेवल, व्हाटएवर, जो कुछ भी है हम आकांक्षा करें, वैसा ही मुझको भी चाहिए, वैसा ही मुझको भी चाहिए। अब जरूरी नहीं कि हम दूसरे के धन की आकांक्षा का मतलब चोरी ही करने जा रहे हैं, हमको वैसा चाहिए और फिर इसको और व्यापक कर दें तो दूसरे के जैसा ज्ञान चाहिए, दूसरे के जैसा शरीर चाहिए, दूसरे के जैसी स्टाइल चाहिए। सब कुछ तो सबके पास होता नहीं, किसी को मुकम्मल जहां तो मिलता नहीं है, कुछ तो कमी होती है। कोई व्यक्ति है विचार बहुत अच्छे हैं, आवाज़ नहीं अच्छी है, किसी के पास आवाज़ अच्छी है तो प्रेजेंटेशन नहीं अच्छा है। हाँ, कभी कभी कुछ पैकेज अस्तित्व ऐसे रचता है जहां पर हमको लगता है करीब करीब जैसे बहुत कुछ आ रहा है, उस पैकेज में सब कुछ आया चला जा रहा है, तो वो होते हैं अस्तित्व के फ्री सैंपल्स, समृद्ध चेतना का एक फ्री सैंपल। जैसे रख दिया जाता है सैंपल, तो अस्तित्व कभी कभी ऐसे शरीर मन भी रचता है फ्री सैंपल की तरह। लेकिन हम मूल बिंदु को ना जानने के कारण तुलना में उलझते हैं, और तुलना के कारण हमारे अंदर वो एक स्यूडो इमेज
एक छद्म छवि जो आकांक्षा को जन्म देती है, छद्म आकांक्षा को, उसको जन्म देती है। सूत्र उससे हटने की बात करता है, क्योंकि अगर मान लीजिए हम समृद्ध बैठे हैं, हम बहुत प्रसन्न हैं, शांत हैं, तो हमें क्या परवाह है किसी के पास क्या है क्या नहीं है, होगा तुम्हारे पास या किसी के पास, उसको उसके होने से तुम्हारी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ा, ये वाली बात तो हम सोचते नहीं। तो जब इसने कहा दूसरे के धन की आकांक्षा ना करें, तो यहां पर पहली चीज तो ऋषियों ने निश्चित सामाजिक व्यवहारिक इशारे भी जरूर किए होंगे जो कि करते हैं, लेकिन साइमल्टेनियस जैसे ताओ को बोलते हुए हमने कहा था मल्टी लेयर्ड सेंटेंसेज होते हैं, तो यहां भी बहुस्तरीय वक्तव्यों के साथ दूसरा दूसरा नहीं है। अगर सब कुछ वही है, ईश्वर से ही आच्छादित है, तो दूसरा रहा कहाँ? जब सब कुछ दूसरे से ही आच्छादित हो गया तो दूसरा बचा नहीं, जब दूसरा बचा नहीं तो दूसरे के धन की आकांक्षा ना करो, ये तो बड़ा छोटा सा सेंटेंस लगता है। यानी कि अगर दो वाक्यों को मिलाकर देखें तो ये नहीं लगेगा जिसने पहला कहा है उसी ने ये वाला भी कहा होगा, कि अगर सब कुछ ईश्वर से ही आच्छादित है, दूसरा भी ईश्वर से ही आच्छादित है, ये शरीर मन भी ईश्वर से आच्छादित है, वो एक ही है, तो दूसरा रहा कहाँ? आकांक्षा ना करो, करने वाला रहा कहाँ? करने वाला है, करने वाला है, तो यानी करने वाले की अलग सत्ता हो गई, करने वाले की अलग सत्ता है नहीं, क्योंकि वो करने वाले की सत्ता भी तो उसी से आच्छादित है। तो पहले वाली अंतर्दृष्टि और इसके बीच अगर हमको एक सेतु बनाना है, तो हमको ये मानना पड़ेगा कि ये बहुस्तरीय वाक्य होगा, नहीं तो दोनों टूट जाएंगे। नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि हमको लगे कि वही बात कह रहा है पहले वाला ऋषि, ये कोई और आ गया यहाँ पर। लेकिन ऋषियों की अपनी क्लेवरनेस है, वो बात डालकर उसके कई स्तर पैदा कर देते हैं। तो दूसरे को दूसरे की तरह देखना जब तक है तब तक समस्या रहेगी। अब यहाँ पर सवाल आएगा, दूसरे को दूसरे की तरह ना देखें तो क्या देखें? अपने तरह देखें तो बड़े झगड़े हो जाएंगे, ये मेरा घर वो तुम्हारा घर, तो हमने इसको ऐसे देखा और हमने मान लिया कि भाई सब ईश्वर का घर है। हम निकले अपने घर से, दूसरे घर में गए, कुछ सामान उठा लाए, जरूरत थी ले आए, तो रोज झगड़े फसाद होंगे। अब दूसरे का पति, दूसरे की पत्नी, उसको तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी में देखना पड़ेगा ना, ये प्रश्न उठेगा, नहीं तो हमने नहीं देखा, हम गए किसी के घर में जाके। अब किसी की पति पत्नी को हमने कहा क्या दूसरा तो कुछ है ही नहीं, तुम उसकी पत्नी हो, मेरी पत्नी हो, तुम उसके पति हो, मेरे पति हो, सब कुछ जब ईश्वर ही है, एक ही है, तो फर्क क्या पड़ता है? तो ये वाली सोच आ जाएगी। यहाँ पर उपनिषद प्रैक्टिकल यूटिलिटी में जाएंगे। प्रैक्टिकल यूटिलिटी में ये कि जो द्वैत है वो केवल व्यवहारिक उपयोगिता के कारण पैदा होगा, और व्यवहारिक उपयोगिता ना पैदा हो ये हो नहीं सकता, क्योंकि वो ईश्वरीयता, वो ईश्वर अगर गतिमान होगा तो वो द्वैत के आधार पर, उस ड्यूअलिटी के ग्राउंड पर ही, उस पृष्ठभूमि पर ही गतिमान होगा। तब केवल प्रैक्टिकल यूटिलिटी के लिए, व्यवहारिक उपयोगिता के लिए दूसरा दूसरा होगा, अपना अपना होगा, दूसरे का घर दूसरे का होगा, अपना घर अपना होगा। लेकिन गहरे तल पर हम जानेंगे कि विभाजन नहीं है, व्यवहारिक उपयोगिता के तल से विभाजन रहेगा। तुम्हारा नाम तुम्हारा रहेगा, दूसरे का नाम दूसरे का रहेगा, दोनों अलग अलग आइडेंटिटी से फंक्शन करेंगे, तो ये अंतर संबंधित मानवीय जीवन चलेगा। अब जब ये अंतर्दृष्टि आ गई और सब कुछ ईश्वर से आच्छादित वाली एबंडेंट कॉन्शियसनेस से ये अंतर्दृष्टि आई, तो इस बात का फिर मतलब नहीं रह जाता कि दूसरे के धन की आकांक्षा करो ना करो, क्योंकि हम अपने भीतर इतने संतोष में, इतने सेटिस्फेक्शन में होते हैं, और उस सोर्स से यानी उस एबंडेंट कॉन्शियसनेस से, उस समृद्ध चेतना से जुड़े होते हैं कि जो आवश्यक है वो घटता रहता है, जो अनिवार्य होता है वो घटता रहता है, और सबसे धनी
सबसे समृद्ध व्यक्ति वही है जिसको जिस क्षण जो चाहिए हो वो उपलब्ध हो, जिस क्षण जो विचार जरूरी हो वो घटे, जिस क्षण जो भाव चाहिए हो वो घटे, जब विश्राम चाहिए हो विश्राम घटे, जब सक्रियता चाहिए हो सक्रियता घटे, जब त्याग घटना हो तो त्याग घटे, जब भोग घटना हो तो भोग घटे। भोग अर्थात फ्लो ऑफ लाइफ, त्याग अर्थात जो उस फ्लो में बाधा डालता था उसका खत्म हो जाना। जैसे एक आग हम जलाएं, उसमें हम लकड़ियां डालें, उसमें हम ईंधन डालें, तो जो जल के राख की तरह अलग गिर रहा है वो है त्याग, और जो आग प्रज्वलित होकर ऊपर उठ रही है वो है भोग। जीवन की आग का निरंतर ऊपर उठते चले जाना, मनुष्य की चेतना का निरंतर परिष्कृत होते चले जाना, वो भोग है। और जो अनावश्यक है ईंधन की तरह जलकर उसका उपयोग हो जाए वो त्याग है। तो इस तरह से बस चलते जाना है, और फिर ना दूसरा बचेगा ना पर्सनल डूअर बचेगा, सब कुछ वही है, तो जीवन सहज हो जाएगा। तो ईशावास्य का ये जो प्रारंभिक सोपान है वो हमको इस सारे पृष्ठभूमि के साथ तैयार करता है। Thank you.